क्या आप लोग जानते हैं कि मक्का क्लॉक टावर के मून पे बना एक ऐसा सीक्रेट रूम जिसमें आम आदमी अंदर तक नहीं जा सकता। जी हाँ, आज की वीडियो में हम मक्का क्लॉक टावर के बारे में बात करेंगे और उसके रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। सदियों से क्लॉक टावर आर्किटेक्चर का एक अहम हिस्सा रहे हैं। दुनिया भर में आपको अलग अलग तरह के क्लॉक टावर देखने को मिलेंगे। क्लॉक टावर एक तरह का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक या उससे ज्यादा क्लॉक फेस यानी डायल इमारत की दीवार पर लगे होते हैं। जो मैकेनिज्म क्लॉक टावर के अंदर होता है उसे ट्यूरेट क्लॉक के नाम से जाना जाता है, और कुछ क्लॉक में तो बेल्स और चाइम का इस्तेमाल किया जाता था। शुरुआती दिनों के क्लॉक टावर में डायल या उसका क्लॉक फेस नहीं होता था, बल्कि उसमें बेल या दूसरी आवाजें निकालकर लोगों को टाइम बताया जाता था। दुनिया की पहली क्लॉक टावर में से एक है एथेन की मशहूर टावर ऑफ विंड, जो कि 1st century BC में रोमन ग्रीस के द्वारा बनवाई गई थी। मक्का रॉयल टावर, जिसे हम लोग मक्का क्लॉक टावर, जमजम टावर या अबराज अल बैक टावर के नाम से भी जानते हैं, ये मस्जिद अल हरम के बिल्कुल सटीक मौजूद एक इमारत है। इस टावर की ऊंचाई लगभग 601 मीटर या 1972 फीट है, जो इसे पूरे वर्ल्ड की चौथे नंबर की सबसे ऊंची इमारत बनाता है। इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में कुल $15 बिलियन का खर्च आया था। इस पूरे प्रोजेक्ट में 6 और बिल्डिंग शामिल हैं जो इसी में मिली हुई हैं। इन इमारतों के अंदर लग्जरी होटल्स, अपार्टमेंट्स, शॉपिंग मॉल्स और इस्लामिक म्यूजियम बनाए गए हैं। दोस्तों, इस वक्त पर मक्का क्लॉक टावर दुनिया का सबसे ऊंचा क्लॉक टावर है, और उसमें लगी क्लॉक डायल से लगभग 10 किलोमीटर दूर से टाइम आसानी से देखा जा सकता है। इस टावर का फ्लोर एरिया लगभग 15 लाख मीटर² का है, जो कि अंदाजन 1300 फुटबॉल फील्ड के बराबर है। यही नहीं, बल्कि इतने ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट को बनाने में स्टार्ट से फिनिश तक सिर्फ 6 सालों का वक्त लगा, जो अपने में खुद ही एक बड़ी बात है। क्लॉक टावर का डायल, जो कि चारों साइड क्लॉक टावर में लगा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा डायल है। यही नहीं, बल्कि जो लीजेंडरी टावर बिग बेन, जो कि लंदन में है, ये उससे भी 35 गुना बड़ा है। बिग बेन अपने टाइम पर दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉक टावर था। इसके डायल में जो मिनट वाला काटा है, खाली उसकी लंबाई 23 मीटर है, जो कि एवरेज ह्यूमन हाइट से 16 गुना बड़ी है। क्लॉक टावर के कंस्ट्रक्शन में 98 मिलियन से भी ज्यादा मोज़ेक टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसके अंदर 24 कैरेट गोल्ड लीफ्स की परत लगाई गई है। इन टाइल्स को इटली में बनाया गया है। इन टाइल्स को बनाने के लिए 2 ग्लास की लेयर के बीच में 24 कैरेट गोल्ड पिघलाकर डाला गया। इतनी क्वांटिटी में 24 कैरेट गोल्ड के टाइल्स अपने में ही दुनिया का पहला प्रोजेक्ट था। क्लॉक टावर का टॉप पर एक 23 मीटर बड़ा चांद लगा है, जो कि फाइबर ग्लास और 24 कैरेट मोज़ेक गोल्ड से बना है। आप में से काफी लोग नहीं जानते होंगे, पर इस चांद के ऊपर एक सीक्रेट रूम भी बना है। ये रहस्यमय रूम एक ओपन एयर रूम है, जिसे सिर्फ इबादत के लिए बनाया गया है। यह रूम दुनिया की सबसे ऊंची वर्शिप रूम या मस्जिद का रिकॉर्ड रखता है। इस रूम को बनाने के पीछे सिर्फ ये रहस्य है कि जब क्लॉक टावर को बनाया जा रहा था, उसके इंजीनियर्स और स्टाफ को नमाज अदा करने के लिए चांद से उतरने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता था, तो उन लोगों ने उसी मून पर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। बाद में इंजीनियर्स को यह आइडिया इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने इसमें परमानेंट मस्जिद बना दी। इस मून रूम में सिर्फ क्लॉक टावर में काम करने वाले ऑफिशियल्स ही नमाज अदा कर सकते हैं। आम लोगों को इस मून रूम में जाने की इजाजत नहीं है।
खाली इस चांद के कंस्ट्रक्शन में इंजीनियर्स को 5 महीने का टाइम लगा था। चारों तरफ क्लॉक फेस में 2 मिलियन LED लगाई गई हैं, जो रात के वक्त जलती हैं और इन्हें 17 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। इस टावर में स्पेशल लाउडस्पीकर सिस्टम भी लगाए गए हैं, जिसकी आवाज 7 किलोमीटर तक सुनाई देती है। और जब अजान होती है तो टावर की लगी लाइटें जलने लगती हैं। इस इमारत में 26 सर्च लाइट भी लगी हैं, जो स्पेशल ओकेशंस जैसे ईद के मौके पर जलाई जाती हैं। इस इमारत में सऊदी अरेबिया का सबसे ऊंचा लूनर ऑब्जर्वेशन सेंटर, जो कि 558 मीटर ग्राउंड लेवल से ऊंचा है, और इस टावर के अंदर एक प्रेयर रूम भी है, जिसमें 10,000 लोगों के नमाज पढ़ने की जगह है। इतनी बड़ी क्लॉक टावर को चलाने के लिए इसकी मशीन को भी सबसे अव्वल दर्जे का होना लाजिम है। इसकी मशीन को जर्मनी में तैयार किया गया है। इसके पार्ट को स्पेशल मेटल को पिघलाकर बनाया गया है। अपने में इस मशीन का वजन ही अकेले में 21 टन के करीब है। इसका वजन इंजीनियर्स के लिए एक बड़ी मुश्किल का सबब बना, क्योंकि जो क्रेन्स इसको ऊपर तक ले जाती उसकी टोटल कैपेसिटी केवल 18 टन की ही थी। तो इंजीनियर्स ने इसको 2 हिस्सों में डिसमेंटल करते क्रेन के जरिए ऊपर तक ले जाया गया, जिसमें गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि इस मशीन को बनाने वाले इंजीनियर्स मुसलमान नहीं थे, इसलिए वो खुद मक्का शहर में आकर इसको डिसमेंटल नहीं कर सकते थे। Construction site in Mecca. It felt as if I couldn't be there for the birth of my own daughter. आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने बड़े आलीशान और महंगे टावर के मालिक भी कोई बड़े उद्योगपति या कोई बड़े शेख होंगे। बल्कि ये बता दें कि ये क्लॉक टावर सऊदी गवर्नमेंट ने बनवाया है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस जैसी और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें।